नमस्कार दोस्तों। दोस्तों अगर आप भी मच्छरों की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान आ चुके हैं और इस समय पर जो सीज़न है वो मच्छरों का इतना भयंकर वाला है कि वो आपको काटने के साथ साथ तरह तरह की बीमारियां आप में फैलाते हैं और साथ ही साथ आपकी रात की नींद भी हराम कर देते हैं, तो अगर आप भी मोर्टिन जला जला कर बिल्कुल थक चुके हैं और अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो आज मैं इस वीडियो में आपको 5 ऐसी बेस्ट कंपनी की दवाइयाँ बताऊँगा जो कि ना तो आपकी सेहत के साथ कोई खिलवाड़ करेंगी और इनके जो रिजल्ट रहते हैं वो मोर्टिन या ऑल आउट की तरह रोज़ रोज़ की जगह एक ही बार अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो महीनों तक आपको इसके रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे और आपके घर में या दोस्तों कहीं भी जहां भी आपको मच्छर परेशान करते हैं वहां पर मच्छर एक महीने तक के लिए बिल्कुल जड़ से गायब हो जाएंगे। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल की वीडियो की जो जानकारी है वो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलते हैं वीडियो में और जानते हैं दोस्तों इन 5 दवाइयों के बारे में और साथ ही साथ मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे भी बताऊंगा जिनको अपना कर आप अपने घर से मच्छरों को दोस्तों लंबे समय तक के लिए कंट्रोल कर सकते हैं। चलते हैं वीडियो में और जानते हैं इस जानकारी के बारे में। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ ऐसे घरेलू तरीकों के बारे में। ये तरीके कुछ ऐसे हैं जो केमिकल फ्री होने के साथ साथ आपके पर्यावरण और आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो इसमें से जो पहला तरीका आता है वो है नीम ऑयल। लेकिन नीम ऑयल का इस्तेमाल अगर आप दिए के रूप में करते हैं, दिए के साथ में जलाते हैं नीम ऑयल को, तो आपके घर का पर्यावरण तो शुद्ध होगा ही होगा और साथ ही साथ जो मच्छर हैं दोस्तों वो बिल्कुल 9-2-11 हो जाएंगे, आपके घरों में बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ये जो है पहला तरीका। बात करें दूसरे तरीके के बारे में तो दूसरे तरीके में देखिए आपने लेमन ग्रास देखी होगी। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं लेमन ग्रास को आपको चटनी बना लेनी है मिक्सी में पीस के और उसके बाद जो इसमें से जो जूस निकलेगा लेमन ग्रास का उस जूस को किसी शीशी में करके रख लेना है और शीशी में से 2-3 बूंद आपको हाथ पर निकालनी है और अपने हाथ पैरों पर जहां भी मच्छर दोस्तों आपको काटते हैं यहां पर लगा लेना है। देखिए अगर आप इसको एक बार सुबह के समय में इस्तेमाल करेंगे तो शाम तक आपको दोस्तों किसी प्रकार का मच्छर नहीं काटेगा और दोस्तों आप बीमारी से भी बिल्कुल बचे रहेंगे। तो ये तो दूसरा तरीका जो कि हमारा घरेलू तरीके में से आता है। तीसरे तरीके की अगर हम बात करें तो अगर आप जैसे कि हमारा फास्ट कार्ड आता है मोर्टिन का, उसी तरीके से अगर आप चाहें तो ये तो केमिकल होता है जो फास्ट कार्ड होता है, इसी के दूसरे तरीके में घरेलू तरीके में आप क्या कर सकते हैं जो तेज पात के पत्ते होते हैं, अगर आप 2 पत्ते सुबह या शाम के समय में दोस्तों किसी बर्तन के अंदर उनको साइड से जला के रख दीजिए, वो धीरे धीरे करके आपके घर में धुआं करते रहेंगे, इससे भी आपके घरों में जो मच्छर है दोस्तों वो बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। क्योंकि देखिए फास्ट कार्ड की तरह ही काम करता है और एकदम बेहतरीन, ना तो आपको कोई नुकसान जाएगा और एकदम घरेलू होने वाला है। तो ये थे कुछ 3 ऐसे घरेलू तरीके जो 100% कारगर हैं और इनसे बिल्कुल भी मच्छर आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं केमिकल तरीकों के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में जो भी मैं आपको दवाइयां आगे बताऊंगा, इन दवाइयों को इस्तेमाल करने से पहले कुछ इनकी सावधानियां हैं जिनको आपको जान लेना चाहिए। देखिए अगर आपके घर में कोई 1 साल या 6 महीने के बच्चे हैं तो इस दवाई को इस्तेमाल करने से बचें और साथ ही साथ अगर आपके बेडरूम में बहुत ज्यादा मच्छर हैं, जैसा आप जहां पर सोते हैं बेड के ऊपर, तो उस बेड के ऊपर या कपड़ों पर इसका इस्तेमाल करने से बचें और साथ ही साथ अगर आप खाने पीने की जगह पर जैसे किचन के अंदर आप इसका इस्तेमाल जो बर्तनों के ऊपर ऐसी जगह पर ना जाए जो आप जैसे खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो आपको इन दवाइयों को इस्तेमाल करने से पहले लगानी है और करनी है और साथ ही साथ अपने प्रिकॉशन के लिए मैं आपको बता दूं मुंह पर मास्क लगा के आपको इनका स्प्रे करना है। बस कुछ ये सावधानियां हैं जो आपको इन दवाइयों को लगाने से पहले जान लेनी चाहिए। देखिए अब बात करते हैं कि ये कौन कौन सी दवाइयां हैं। तो ये जो दवाइयां हैं ये ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी की ब्रांड दवाइयां होने वाली हैं जो कि आपको नजदीकी किसी पेस्टिसाइड शॉप पर मिल जाएंगी या साथ ही साथ अगर आप चाहें तो इनको ऑनलाइन अमेजोन फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इनमें से जो पहली दवाई आती है वो आती है सिजेंटा कंपनी की आइकॉन के नाम से। देखिए जो आइकॉन के नाम से जो दवाई है ये आपको लिक्विड फॉर्म और पाउडर फॉर्म दोनों में आपको मिल जाएगी। अगर इसकी मात्रा की बात करूँ, इस्तेमाल करने के तरीके की बात करूँ, तो आपको इसको पानी में मिलाकर स्प्रे कर देना है फर्श पर, बेड के नीचे, अपनी दीवारों पर, छत पर या गमलों के आसपास बहुत ही ज्यादा मच्छर होते हैं वहां पर आपको इसको स्प्रे करना है पानी में मिलाकर। मात्रा की अगर मैं बात करूं तो आपको जो लिक्विड वाली है हमारी इसको तो कम से कम 15-20 ml पर लीटर के हिसाब से आपको मिलाना है पानी में और स्प्रे करना है और इसी की जो पाउडर वाली आती है आइकॉन के नाम से उसको आपको लगभग 10 g/L पानी में मिलाकर आपको स्प्रे करना है। तो ये थी पहली दवाई। दूसरी दवाई की अगर मैं बात करूं तो जो दूसरी दवाई आती है वो आती है बायर कंपनी की कैथरीन के नाम से। देखिए बायर कंपनी की जो कैथरीन के नाम से दवाई आती है लिक्विड फॉर्म में ये बहुत ही शानदार है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो लगभग 1 महीने तक दोस्तों आपके घरों पर या जहां भी आप इस दवाई का इस्तेमाल करते हैं वहां पर मच्छर देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। इसकी डोज की अगर मैं बात करूं तो 25 ml/L के हिसाब से आपको अपने पानी में मिलाना है और पानी में मिलाकर जैसे मैंने आपको बताया आप बेड के नीचे या कहीं गमलों के पास या फुलवाड़ी वगैरह होती है या छत पर या
अपने फर्श पर इसको स्प्रे कर दीजिए और इसके भी जो रिजल्ट हैं वो लगभग 1 से 2 महीने तक देखने के लिए मिलते हैं। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दोस्तों इसके देखने के लिए मिलेंगे। ये थी दूसरी दवाई। बात करें अगर तीसरी दवाई के बारे में, तो तीसरी दवाई जो है वो है टाटा कंपनी की। देखिए टाटा कंपनी के जो प्रोडक्ट होते हैं बहुत ही शानदार और विश्वसनीय होते हैं, इसीलिए जो टाटा कंपनी का जो प्रोडक्ट है इसका नाम है सेंट्री। देखिए सेंट्री नाम से आपको एक पाउच मिल जाएगा, 100 ग्राम का पाउच आपको लगभग देखने के लिए मिलेगा। ये आपको ऑनलाइन अमेजोन फ्लिपकार्ट या कहीं पर भी मिल जाएगा बड़ी आसानी से। इसको भी आपको पानी में मिलाकर स्प्रे करना है, दीवारों पर, बेड के नीचे, जहां भी आपको मच्छर परेशान करते हैं। इसकी मात्रा की अगर मैं बात करूं तो लगभग 10 से 15 ग्राम पाउडर आपको पानी में मिलाना है और स्प्रे कर देना है। तो ये था तीसरा प्रोडक्ट। हम बात करें अगर हम चौथे प्रोडक्ट के बारे में, देखिए चौथा प्रोडक्ट जो है वो है कल्याणी इंडस्ट्रीज का दोस्तों, स्मोकर के नाम से। ये जो स्मोकर के नाम से आता है, आप इसको जो हमारी स्मोक वाली मशीन होगी आपने देखा होगा, जो धुएं वाली मोहल्ले में शाम को मशीनें आती हैं जो मच्छर भगाने के लिए, उनमें जो दवाई का इस्तेमाल होता है वो यही वाली दवाई होती है जो कि कल्याणी इंडस्ट्रीज बनाती है, वो स्मोकर के नाम से आपको मिल जाती है। इसके अंदर जो केमिकल है वो स्मोक में बदल कर आपके जितने भी मच्छर वगैरह होते हैं या मक्खी होती है इन सबको खत्म कर देता है और बीमारियों से बचाता है। लेकिन आपको अगर इसको घर पर इस्तेमाल है तो आप इसको पानी में मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मात्रा की मैं इसकी अगर बात करूं तो लगभग 15 से 20 ml पर लीटर पानी में मैं आपको इसको मिलाना है और स्प्रे कर देना है। जहां भी आप इसका स्प्रे करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। महीने भर तक के लिए दोस्तों जो मच्छर हैं वो आपके घरों पर या जो मक्खियां भी हैं वो भी देखने के लिए बिल्कुल नहीं मिलेंगी और आप बीमारियों से लगने से बच जाएंगे। ये थी चौथी दवाई। अगर पांचवी दवाई की बात करूं तो पांचवी दवाई भी जो आती है वो भी सजेंटा कंपनी की है। जो मैंने आपको पहले बताई थी सजेंटा की आइकन, उसी कंपनी की है ये दवाई भी। इसका नाम है डिमांड। डिमांड दोस्तों ये दवाई है ये भी बहुत ही बेहतरीन है। ये मार्केट में अभी कुछ ही सालों से कंपनी ने जो है लॉन्च करी है, आइकन के बाद ये दवाई आई है, इसीलिए इसके जो रिजल्ट हैं वो उससे एडवांस हैं और बहुत ही अच्छे हैं। ये ज्यादा नुकसान आपको नहीं पहुंचाती आपके सेहत से दोस्तों, किसी प्रकार का खिलवाड़ ये केमिकल्स नहीं करेंगे। ये बिल्कुल होम पे आपको इस्तेमाल करने के लिए, मतलब घर पे इस्तेमाल करने के ही हिसाब से ये दवाइयां हैं बनाई गई हैं। इसकी मात्रा की मैं बात करूं तो लगभग 25 ml पर लीटर पानी में मिलाकर आपको इसका भी इस्तेमाल करना है, पानी में मिलाकर स्प्रे करना है। देखिए ये जो दवाइयां हैं ये न केवल मच्छरों को कमारेंगी, ये साथ ही साथ जो मक्खियां होती हैं, कॉकरोच होते हैं और तरह की जो छिपकलियां होती हैं इन सभी को भी कंट्रोल करेंगी। तो ये थी 5 ऐसी दवाइयां जो कि आप अपने इस्तेमाल कर सकते हैं मच्छरों से, मक्खियों से बचने के लिए। तो ये थी वीडियो की जानकारी। देखिए अगर आप इसके अलावा जो हमारे रोजमर्रा के जैसे मोर्टीन हो गई, ऑल आउट हो गया, फास्ट कार्ड हो गया, अगर इनका इस्तेमाल करते हैं तो ये केमिकल वाले ऐसे तरीके हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे स्वास्थ्य को खराब करते हैं। तो इनके इस्तेमाल से अगर आप बचना चाहते हैं तो इन तरीकों पर जा सकते हैं। और वीडियो की जानकारी अगर आपको पसंद आई तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और कोई भी आपका सवाल है तो आप उनसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए इनकी दवाई के जो रेट है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसलिए इस वीडियो में मैंने आपको रेट नहीं बताए हैं। आप ऑनलाइन जाके इनके जो रेट हैं वो चेक कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।